आज के दौर में यह देखने में आता है कि इंसान बात बात पे गुस्सा करने लगता है, सहने की शक्ति खत्म होती जा रही है, मेमोरी पावर वीक होती जा रही है, इंसान जरा सी बीमारी से बेइंतहा घबरा जाता है। इन सब के पीछे क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग इरिटेट रहते हैं, टेंशन में डूबे रहते हैं, जिसे देखें चेहरा यूं लगता है मानो खेस दरी में सलबट पड़ी हो। आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे? एक ही कारण है कि उन सब के अंदर आत्मबल की बहुत कमी होती है। आत्मबल जिनके अंदर कम हो जाता है उनका यही हशर होता है। ज्यों ज्यों आत्मबल का स्तर कम होता जाता है, इंसान की सहने की शक्ति कम होती जाती है। इंसान अंदर ही अंदर अपने नेगेटिव विचारों में बुरी तरह उलझ जाता है। आत्मबल की कमी इंसान को टेंशन की तरफ धकेल देती है। जैसे जैसे आत्मबल गिरता जाता है, वैसे वैसे इंसान अपनी सोचों में, नेगेटिव थॉट्स में बुरी तरह से फंस जाता है। तो बात आती है, हम आत्मबल को कैसे बढ़ाएं? हमने ये सर्च किया है, आप भी कर लीजिए। आत्मबल के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, किसी में कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल को बढ़ाना हर कोई चाहता है, क्योंकि साइंस भी तो ये मानती है कि जिनके पास आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। आत्मबल सफलता की कुंजी है। और हमारे धर्मों में भगवान की कृपा से हमने पढ़ा है, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में साफ लिखा है, जिनके अंदर आत्मबल होता है वो भगवान के कृपा पात्र होते हैं। उनके अंदर हिम्मत, हौसले बुलंद हो जाते हैं। और जब इंसान हिम्मत करता है तो भगवान मदद करता है। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। ये हमारे हिंदू धर्म में आया। यही बात हमने क्योंकि सभी धर्मों को पढ़ा और साइंस के नजरिए से पढ़ा, इस्लाम धर्म में आती है कि जिनके अंदर रूहानी ताकत नहीं होती वो लोग कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। हमेशा उलझे रहते हैं, हमेशा वाद विवाद में या टेंशन में। तो रूहानी ताकत आती है अल्लाह की इबादत से, कलमा अता करने से। जैसे जैसे इंसान रूहानी ताकत में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ताकत आती है, हिम्मत आती है। और ये भी लिखा है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। हिम्मत आएगी रूहानी ताकत से। तो ये बात सिख धर्म में लिखी है, हमारे गुरु साहबानों की पवित्र गुरुवाणी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसान जब वाहिगुरु से, परमात्मा से दूर हो जाता है तो वो अपने आप से दूर होने लगता है। उसके अंदर बहुत ही गिरे हुए विचार आते हैं, उसका दिल नहीं करता किसी से बात करने का। तो जैसे जैसे ये आत्मबल गिरता है तो आदमी को दुख, चिंताएं, परेशानियां घेर लेती हैं। तो आत्मबल बढ़ता है वाहिगुरु का नाम लेने से। जैसे जैसे कोई वाहिगुरु का नाम लेगा, चलते लीजिए कैसे भी तरीके से, तो उसके अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी वो इंसान सुख शांति के काबिल बनता जाएगा। और यही सिख धर्म में लिखा कि आदमी अगर वाहिगुरु का नाम लेके आत्मबल को बढ़ा लेता है तो परमात्मा आके उसके हर कार्य को संपूर्ण कर देते हैं। अब आते हैं बाइबल की तरफ, क्या कहती है बाइबल, पवित्र बाइबल। उसमें भी बिल्कुल ही है, यही बात है कि विल पावर जब डाउन लेवल पे चला जाता है तो आदमी के अंदर नेगेटिव थॉट का जमावड़ा हो जाता है।
नेगेटिव थॉट्स उसे घेर लेते हैं और वो किसी भी कार्य को हाथ डालता है तो वो पीछे की तरफ जाता है, आगे नहीं। इसके लिए जरूरी है आप गॉड्स प्रेयर करें, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार मालिक का नाम लें, उससे आपका विल पावर जो है वो अपसाइड में आएगा और जैसे विल पावर बढ़ता जाएगा तो भगवान गॉड आपके हर कार्य में आपकी सहायता करेगा, आप हार्ड वर्क करेगा और गॉड का ब्लेस आपको जरूर मिलेगा। तो ये हमारे धर्मों की थ्योरी है। आम जन आम जीवन में क्या देखते हैं कि हम बहुत कार्य करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, इसके बावजूद जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है, सब कुछ करने के बावजूद मेहनत का फल नहीं मिलता? इसका एक ही कारण है कि आपके अंदर का आत्मबल गिरा हुआ है और आपके संचित कर्म आपके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उस कार्य में सफलता हासिल करने की सोचते हैं वैसे वैसे आप पीछे की तरफ होते चले जाते हैं। वास्तव में अगर आप आत्मबल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस आत्मबल से आपको आपके कार्य में सफलता मिले, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको फल मिले, तो आपको आपके टाइम टेबल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। आपका टाइम आपने एडजस्ट कर रखा है, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नाश्ता लेते हैं, जो भी खाने पीने का जो जिसको अच्छा लगता है आप उसे लेते हैं और उसके बाद आप अपने दिनचर्या में चले जाते हैं। जो भी कोई कार्य करना है, जैसा भी कोई कार्य करना है, आप उसमें लग जाते हैं तो सब आपका टाइम टेबल फिट है, सारा दिन कार्य किया, फिर आप लंच लेते हैं, फिर चाय लेते हैं, शाम का खाना लेते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, सो जाते हैं, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं। लेकिन एक बात गलत है और जो आपके सारे कार्य को गलत किए जा रही है और वो बात है कि आपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड ओम के लिए कोई टाइम फिक्स किया ही नहीं, जो आपको आत्मबल देता है विदाउट एनी पे, बिना किसी पैसे के आप आत्मबल हासिल कर सकते हैं और वो आत्मबल पूरी दिनचर्या में आपका साथ देगा, पूरी दिनचर्या में आपके काम आएगा। तो आप आत्मबल के लिए भी समय दीजिए। जब तक आप आत्मबल के लिए समय नहीं देंगे, जब तक आप आत्मबल बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो आत्मबल को बढ़ाने के लिए तरीका है जिसे हमारे धर्मों में अलग अलग नाम दिया जाता है। वो तरीका हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, ओम ओंकार, भगवान के वो शब्द जो खुद गुरु अभ्यास करता है वो शब्द सबको बताए, वो शब्द बताते हुए बताए कि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर भगवान के वो शब्द लेने से मुझे आत्मबल मिल रहा है, मुझे आत्मिक शांति मिल रही है, यही नहीं उस गुरु मंत्र से मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो मैं भी इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। अगर वही शब्द आप अभ्यास में लाएंगे तो आपको भी आत्मबल मिलेगा, आपको भी आत्मिक शांति आएगी। उसे कहते गुरु मंत्रा, यानी जो गुरु ने खुद प्रैक्टिकली किया है वही शब्द अपने शिष्यों को बताए, उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। इसी गुरु मंत्र को इस्लाम धर्म में कहते कलमा, कलमा अता कीजिए, पीरो मुर्शिदे कामिल कलमा देते हैं। आप उस कलमा को सही टाइम पे अता करें। आप नवाज अता करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए, समय अनुसार करते रहिए। लेकिन नवाज अता हो गई, कुछ टाइम आप उस कलमा अता करने में
सूफियत के नज़रिए से भी लगाएं। वो समय आपकी रूहानी शक्ति को बढ़ाएगा और जैसे जैसे रूहानी शक्ति बढ़ती जाएगी आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। अब आते हैं सिख धर्म क्या कहता है। सिख धर्म में बोला है इसी गुरुमंत्र इसी कलमा को नाम शब्द शब्द से सारी दुनिया बनी है। नाम उस वाहिगुरु का परमात्मा का, आप जब उस परमात्मा का नाम लेते हैं तो आपके संचित कर्म जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, आपके अंदर हौसला हिम्मत आती है और परमात्मा के नाम से आपका आत्मबल रूहानी ताकत बढ़ती चली जाती है और सक्सेस आपके कदम चूमती है। ईसाई धर्म क्या कहता है इसको, जिसे हिंदू धर्म ने गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द कहा कि वाहिगुरु का नाम और उसके शब्द उसकी आवाज से सारी दुनिया पैदा हुई, सारी दुनिया में वो शब्द वो रोशनी चल रही है। ईसाई धर्म में इसे कहा जाता है द गॉड्स वर्ड्स, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि, भगवान के वो शब्द गॉड्स वर्ड्स जब हम रिपीट करते हैं उनको दोहराते हैं हमारा विल पावर बढ़ता है और जैसे जैसे विल पावर बढ़ता जाता है आदमी के अंदर पीस, बहुत पीस भर जाता है, पीस ऑफ माइंड आ जाता है और विल पावर बढ़ने से कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता। तो ये हमारे सारे धर्मों में बताया गया कि हमें गुरु मंत्र कलमा नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं क्या कोई शॉर्टकट है जिससे जल्दी से जल्दी आत्मबल बढ़ जाए। जी हाँ, रूहानियत में भी शॉर्टकट है और वो है आप सही टाइम पे गुरु मंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन नाम शब्द का अभ्यास करें। वो टाइम है सुबह मॉर्निंग का टाइम, सुबह सवेरे 2 से 5। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त। इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। तो 2 से 5 का समय कैसा है, हमारे वेदों को पढ़ा, पाक पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा तो साइंटिस्टों ने सोचा हम भी सर्च करें, रिसर्च करें। उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च में क्या पाया, सुबह 2 से 5 का जो टाइम है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है और ज्यादा होता है। इसमें अगर कोई मेडिटेशन में बैठेगा, इसमें अगर कोई ध्यान में बैठेगा तो विल पावर ज्यादा और जल्दी बढ़ेगा और जैसे जैसे विल पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, ये साइंटिस्ट मान चुके हैं। तो भाई आत्मबल सबके लिए जरूरी है, आत्मबल को बढ़ाने के लिए आप सोचें मुझे सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में तो सोते हैं, कौन से समय में उठते हैं हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको बुरा लगेगा, धर्मों में इस समय को कुछ और कहा गया है। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप जब भी उठते हैं एक कहावत है जब जागो तभी सवेरा, और जब भी आप उठते हैं उठने के बाद आप मालिक का नाम लें, परमात्मा का अल्लाह गॉड ओम हरि का नाम लें, उससे आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल के बढ़ने से क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर साहबान पूरी कोशिश करते हैं
उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे दवा देते हैं, औसत देते हैं, लेकिन फायदा होता है 10%, 20%। और आखिर एक टाइम आता है डॉक्टर साहबान कह देते कि ये मरीज ठीक नहीं होगा, ये तो लाइलाज बीमारी है। क्यों? क्योंकि मरीज के अंदर भी आ जाता है कि मैं मरने वाला हूं, मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये है आत्मबल की बिल्कुल गिरी हुई सीमा, आत्मबल बिल्कुल गिर चुका है। तो ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में अगर आत्मबल को बढ़ाया जाए तो क्या होता है? ऐसे मरीजों को भगवान का नाम दिया गया, मालिक का नाम दिया गया, और मालिक के नाम से उनके अंदर ऐसा आत्मबल आया, ऐसी मालिक की भक्ति का तरीका आया कि वो आत्मबल बढ़ता गया और जो दवा 10-20% काम करती थी वो 100% काम करने लगी, क्योंकि मरीज के अंदर आ गया कि मैं मरने वाला नहीं हूं। आत्मबल बढ़ने से नेगेटिव विचार चले गए और पॉजिटिव विचारों ने घर कर लिया, और वही मरीज जिसे डॉक्टर कहते थे ला इलाज है वो तंदुरुस्त हो जाता है। अगर आप देखना चाहें, हमारे पास ऐसे लोग हैं, एक दो नहीं, सिर्फ पढ़ाए हुए नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें किसी को फोर्थ स्टेज का कैंसर था, कोई एड्स की बीमारी से ग्रस्त था, कोई बिल्कुल पगला गया था, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज थी, ब्लड कैंसर तक। उन्होंने ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर का जैसे नाम जपा, जैसे मालिक की भक्ति की, तो वो उन बीमारियों पे जीत हासिल पा गए। आज वो खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी तमाम बीमारियां चली गई। यह सब कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको गुरुमंत्र कलमा का जाप करना होता है। जैसे किसी की बड़ी बीमारी है तो उसका आत्मबल डाउन टू अर्थ हो जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो आपको दिन रात गुरुमंत्र का जाप करना है अगर आप अपना जीवन को बचाना चाहता है, लाइफ सेव करना चाहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार भगवान के नाम का जाप करें, तभी आपकी वो भयानक बीमारी में आपका आत्मबल उबर के आएगा। जिस तरह मुर्गा भी गहरे पानी में अगर चली जाए तो यूं लगता है कि शायद वो डूब जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कितने भी गहरे पानी में डुबकी लगा जाए, किधर भी चली जाए, वो अपने पंख को लगभग लगभग सूखा रखती है और वो कभी भी उड़ारी मार सकती है। उसी तरह आत्मबल है, वो कितना भी गिर जाए कभी ऐसा नहीं होता कि आत्मबल बिल्कुल खत्म हो जाता है। आत्मबल आपके अंदर रहता है, वो बाहर से नहीं आता। और आत्मबल जैसे जैसे आपके अंदर से बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे आप गुरुमंत्र का जाप कंटिन्यू करते जाएंगे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को जैसे जैसे याद करते जाएंगे, वो आत्मबल बढ़ता जाएगा और आप तमाम बीमारियों पे जीत हासिल कर लेंगे। वो आत्मबल आने से आदमी के अंदर पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, और उससे वो बीमारी खत्म हो जाती है। कई शायद आपको लगे ये सही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम आपको एक छोटा सा चमत्कार बताएं जो आप सबके साथ है। उदाहरण के तौर पे आप जो कपड़ा पहनते हैं, आपको पता है उस पर कितने हाथों का स्पर्श होता है? पहले वो बीज के रूप में आता है, जमींदार भाई जमीन को साफ करता है, बिल्कुल साफ करने के बाद बीज को बोते हैं, पानी देते हैं, पौधा आता है, निराई गुड़ाई होती है, उस पर स्प्रे होती है और पौधा बड़ा होता चला जाता है, फिर उसमें से रुई को चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग और रुई अलग कर ली जाती है, फिर वो दूसरी फैक्ट्रियों में धागा बनता है, फिर वो जहाँ कपड़ा बनता उस फैक्ट्री में जाता है, कपड़ा बनता है, और जो आगे उनके डीलर होते हैं
वो कपड़ा लाते हैं, व्यापारी लोग लाते हैं, दुकान पे आता है, आप कपड़ा खरीदते हैं, और कपड़ा खरीदने के बाद आप टेलर मास्टर के पास जाते हैं, वो आपका नाप लेता है और फिर आपके अकॉर्डिंग कपड़ा बनाया जाता है। अभी भी बात अधूरी है, फिर आप उसे उठाते हैं, पहनते हैं, तो ये कपड़ा आपके शरीर पे आता है। कितनी जगह सिलाई हुआ, कितनी जगह टंके लगे, आप खुद जानते हैं, चेक कर लीजिए। और कमाल देखिए भगवान का, उसने अपने पूरे शरीर पे, हम सबके पूरे शरीर पे चमड़ा चढ़ाया, स्किन चढ़ाया है, कहीं एक टंका भी नहीं लगाया। क्या ये चमत्कार नहीं है? आप एक छोटा सा कपड़ा भी इस तरह नहीं बना सकते, और उसने पूरी चमड़ी हमारी बॉडी पे इस तरह फिट कर दी है कि एक भी टंका लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमारे शरीर को इस तरह बना सकता है, अरे कैसी भी भयानक बीमारी हो, कितना भी बड़ा कैंसर या कोई भी बीमारी लग जाए, अगर उस भगवान को आप याद कर लें, लगातार दिन रात उसकी भक्ति में लग जाएं, वो आएंगे और जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, शायद उसका भी निशान रह जाता है, वो इससे भी बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी में से उस बीमारी को ले जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। ऐसा लाखों के साथ हो रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन में यकीन रखते हैं, हवा में बात नहीं करते। ये सारे धर्मों का सार आपको बता रहे हैं, धर्मों में लिखा है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं आता, अमेरिका की एक वेबसाइट है, आप उसे चेक कर लीजिए, साइंटिस्ट लोगों ने उसे बनाया, पढ़े लिखे लोगों ने उसे बनाया, मरने के बाद का अनुभव, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, आप चेक कीजिए, आप देखेंगे एक आदमी मर गया और वो मरा ऐसा कि हार्ट बंद था तो बंद, खुला था तो खुला, माइंड में भी जीवन का लक्षण नहीं रहा, पर वो दो दिन के बाद जिंदा हो गया। कैसे? भगवान मुर्दों में जान डाल देता है। ये हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम सभी धर्मों में लिखा है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। क्या साइंस के पास इसका जवाब है कि जब ब्लड रुक गया यहां, क्या उसे चलाने का कोई तरीका साइंस के पास है? और जैसे ही हार्ट यहां रुक गया तो सारा ब्लड भी नाड़ियों में रुक जाता है और वो ब्लैक हो जाता है, उसे चलाया नहीं जा सकता। ये साइंटिस्ट मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं, तो कोई भी साइंस का तरीका नहीं जिससे ब्लड को फिर से चलाया जा सके। तो फिर दो दिन के बाद जिंदा कैसे हुआ? तो यही है आत्मबल, जो भगवान की भक्ति से आता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं। जिनके अंदर आत्मबल होता है वो हारी हुई बाजी जीत जाया करते हैं। जिनके अंदर आत्मबल होता है सक्सेस आके उनके कदम चूमती है और वो बुलंदियों के ऊपर चले जाते हैं।